मैं चंद्रमोहन सिंह, स्वागत है आप सभी का जेन 5 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम इंटरनल सीएसएस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल सीएसएस क्या होता है दोस्तों? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनलाइन सीएसएस बताया था। इनलाइन मतलब उसी लाइन में जब हम कुछ स्टाइल डिफाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? इनलाइन। ठीक है, तो अब उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम क्या जानेंगे इंटरनल सीएसएस के बारे में। तो बेसिकली इंटरनल सीएसएस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम हेड टैग के अंदर जाते हैं और स्टाइल को लिखते हैं। ठीक है, स्टाइल टैग डिफाइन करते हैं और इसी स्टाइल टैग के अंदर हम सीएसएस के एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो फिलहाल हम एक डिव बनाते हैं, डीआईवी डिव। ठीक है, अब इसी डिव की सारी चीजों को जो हमने सीएसएस के इनलाइन सीएसएस में स्टाइल लिखकर यहीं पे डिफाइन कर दिया था, अब हम यहाँ डिफाइन ना करके हम कहाँ डिफाइन करेंगे, हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखता हूँ width width, और विड्थ लिख देता हूँ लगभग 300 पिक्सल। ठीक, अब मैं लिखता हूँ हाइट, हाइट को मैं डिफाइन करता हूँ 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ मैं रेड, अगेन या कर देता हूँ येलो। ठीक है, और ले लेता हूँ मैं फ्लोट। फ्लोट क्या होता है भाई, फ्लोट क्या होता है? फ्लोट का काम होता है ये डिफाइन करना कि हम शुरुआत कहां से करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर कहां से। ठीक है, तो मैं फ्लोट लिख करके अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो क्या ये हमारा काम करेगा? नहीं दोस्तों, ये काम क्यों नहीं करेगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देख लीजिए ये कहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। क्यों? क्योंकि भाई ये जो आपने एलिमेंट लिखा है सीएसएस का ऊपर कर्ली ब्रेसेस में, ये है क्या, ये किसका है, हमें तो नहीं पता। तो भाई इसके आगे हमें डिफाइन करना पड़ेगा किसका है, ये इस डिव टैग का है। ठीक है, अब हम इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए दोस्तों अब ये हमें दिख रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इंटरनल सीएसएस। ओके, जब हम स्टाइल टैग हेड के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर हम कुछ डिफाइन करते हैं तभी हम इंटरनल सीएसएस का यूज करते हैं। फिलहाल इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज क्यों किया जाता है मैं अभी बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ इस डिव टैग को, और मैं एक से अधिक डिव टैग, एक पेज के अंदर मैं एक से अधिक डिव को डिफाइन करना चाहता हूँ। एक से अधिक का मतलब तीन मैंने लिया है यहाँ पे, आप देखिएगा अब क्या होता है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे तीन आ गया। ठीक, तीन कैसे आ गया भाई, तीन कैसे आ गया, क्योंकि एक के बाद एक क्या हो रहा है, एक के बाद एक दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ तीनों का रंग अलग अलग हो, तीनों के कलर अलग अलग हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसे सेव करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, कलर बदल रहा है, नहीं, मैं तीनों का रंग अलग अलग चाहता हूँ, या तीनों की हाइट अलग अलग चाहता हूँ। ठीक है, तीनों की पोजीशन अलग चाहता हूँ, एक बीच में दिखे, एक लेफ्ट में दिखे, एक राइट में दिखे। अभी क्या हो रहा है, ये एक के बाद एक दिख रहा है लेफ्ट में, मैं कुछ अलग अलग चाहता हूँ, सबका रंग अलग चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबको अलग अलग डिफाइन करना होगा। तो क्या मैं सबको अलग डिफाइन कर सकता हूँ, हाँ सबको अलग डिफाइन कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे सबका अलग अलग नाम देना होगा। सबका नाम अलग अलग देने का दो तरीका है, मैं सबका नाम अलग अलग दे सकता हूँ, उसके लिए हमारे पास दो तरीका है, दोनों तरीकों का नाम है आईडी और क्लास। मैं सीएसएस में दो तरीके से नाम को डिफाइन कर सकता हूँ, या तो मैं उसको आईडी बना दूं, या तो मैं उसे क्लास बना दूं। तो आईडी और क्लास के बीच में अंतर क्या है, आईडी एक यूनिक होता है, यूनिक मतलब एक लौता होता है। ठीक है, और क्लास का काम क्या होता है, क्लास एक से अधिक हो सकता है, जैसे एक क्लास में मल्टीपल बच्चे, काफी सारे बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन टीचर उस क्लास का एक यूनिक होता है। तो यही आप समझिए कि एक क्लास में टीचर कौन हो गया, आईडी हो गया, और क्लास के स्टूडेंट कौन हो गए, ढेर सारे बच्चे हो गए। ठीक है, तो अब मैं आपको बतलाता हूँ कि आईडी और क्लास कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल मैं अभी क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, क्लास डिफाइन करने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डबल ए, लेकिन क्लास कैसे पहचानेगा, ये क्लास पहचानने के लिए इसके आगे मुझे क्या लिखाना होगा, बस डॉट। मैंने अगर डॉट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लास बन जाएगा। अब मैं अगर इसके आगे, इस किसी भी डिव के आगे, किसी भी डिव के अंदर एट्रीब्यूट क्लास को लिख दिया और डबल ए लगा के सेव कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिव दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे डिव किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ डबल ए के लिए ही बना है, और डबल ए मैंने कहाँ लगाया है, इस वाले में लगाया है। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इससे क्या फायदा मुझे मिलेगा, मैं कई सारे सीएसएस के एलिमेंट्स को बना सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर फर्स्ट मैं क्या कर दे रहा हूँ, डबल ए की जगह मैं कर दे रहा हूँ A1, इसको कर देता हूँ A2, और इसको कर देता हूँ A3। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और इन तीनों को भी अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है,
A1, A2 और A3 बना देता हूँ। देखिए इसका अंतर और इसमें अंतर क्या होगा ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। A2, A3, मैं इसे A3 कर देता हूँ, इसे A2 कर देता हूँ और इसे A1 कर देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे डिव के स्टाइल को भी चेंज करूंगा। देखिए मैं यहाँ पे पहले वाले को जो येलो लिखा हुआ था मैं दूसरे वाले को कर देता हूँ रेड, ठीक है, और मैं इसके नीचे ये जो येलो है इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, GRGN ग्रीन। अब मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है, और फिर से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए दोस्तों तीन कलर दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब ये तीन डिव है। अब तीनों डिव की मैं हाइट विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसकी विड्थ को, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बतलाया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बतलाया था कि हम पिक्सल और परसेंट दोनों दे सकते हैं। परसेंट का यूज किस लिए हम करते हैं, परसेंट का यूज हम करते हैं इतने स्क्रीन के हिसाब से ये छोटा बड़ा हो जाए, और पिक्सल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फिक्स रहे, छोटा बड़ा ना हो, जैसा ये स्क्रीन पे दिख रहा है मॉनिटर पे, जैसा आपको कंप्यूटर पे दिख रहा है उसी तरीके से वो मोबाइल पे टैबलेट पे सेम फॉर्म में दिखे। तो मैं यहाँ पर सबको पिक्सल से हटा के क्या कर देता हूँ, परसेंट में कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके नीचे भी मैं आता हूँ, यहाँ परसेंट लगा देता हूँ सिंबल, और यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ क्योंकि 100 से ज्यादा परसेंट नहीं होता, ठीक है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखो दोस्तों ये पूरे कंप्यूटर के साइज में फिल हो गया है, ठीक है। तो आप बेसिक ओवरव्यू समझ रहे हैं मेरी बातों का दोस्तों, इसी से वेबसाइट बनती है, यही मेरे कहने का मतलब था, ठीक है। अब मैं एक और चीज आपको बतलाता हूँ कि जैसे ये दो क्लासेस मैंने बनाया है, अब आईडी बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, आईडी के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है, बस हम डॉट की जगह क्या लगा देते हैं, डॉट की जगह हम लगा देते हैं हैश, ठीक है, डॉट की जगह हम क्या लगा देते हैं हैश। हैश क्या बतलाता है कि ये आईडी है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और फिर से खोलता हूँ, ये एक गायब हो जाएगा। देखो दोस्तों एक ये नीचे ग्रीन वाला गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था क्लास, क्लास की जगह मुझे क्या लिखना होगा आईडी, ठीक है। अब मैं इसे फिर से सेव करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए दोस्तों ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, देखो दोस्तों मैं यहाँ पर एक से अधिक क्लास डिफाइन कर सकता हूँ, मतलब एक क्लास के बाद यहाँ पे मैं A1 के बाद A2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन आईडी के केस में, मतलब जो आईडी है क्या हमारा A3 है, आईडी हम एक से अधिक नहीं लिख सकते, ठीक है। दो आईडी एक बार में एक ही आईडी हो सकती है, जैसे कि एक क्लास में एक टीचर हो सकते हैं, सेम उसी तरीके से एक क्लास सॉरी एक टैग पे, एक टैग के ऊपर एक ही बार आईडी लग सकती है, ठीक है, समझ में आया मेरी बात। लेकिन क्लास मतलब स्टूडेंट, क्लास मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट एक क्लास में कई सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप A1, A2 एक से अधिक बार यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक ओवरव्यू यही था आज HTML में इंटरनल सीएसएस का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सटर्नल सीएसएस बताऊंगा, तब तक के लिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको आगे की अपडेट्स दे सकूं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।